जैसे हमने पिछली बार भी देखा कि थॉट्स जो हमारे हैं बिकॉज बी बीन टॉकिंग के थॉट्स चेंज करने हैं कैसे चेंज हो कितना अटेंशन कैसे रख सकते हैं कि हर थॉट आई चेंज करना है तो उसके लिए हमें थाट्स से भी एक स्टेप पीछे जाना होगा कि कौन सी चीज है जिसका प्रभाव थॉट पर पड़ता है या कौन सी चीज़ है जो रॉ मटेरियल है जिससे थॉट्स क्रिएट होती है और वो हमने देखा जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है इंफॉर्मेशन जो कुछ हम सारा दिन में सुन पढ़ देख रहे हैं इट्स गोइंग इन जिस क्वालिटी की इंफॉर्मेशन स्टोर हो जाएगी परिस्थिति आएगी उस इंफॉर्मेशन को ट्रिगर करेगी थॉट्स क्रिएट होंगी एंड वो हमारी पर्सनालिटी बनेगी सुबह के समय पहले दो ढाई घंटे हमारी ऑब्जॉर्बशन पावर ग्रहण शक्ति बहुत हाई है ब्लॉटिंग पेपर चूस लेता है उस चीज़ को ये आज के समय में जैसे आपने कहा कि न्यूज़पेपर क्योंकि हम में से मेजोरिटी का दिन जिसके लिए अगेन हम कहेंगे नेचुरल यू नो वी विल से इट्स नेचुरल टू रीड द द न्यूज अर्ली इन मॉर्निंग तो हम में से मेजोरिटी का दिन सुबह की अखबार एंड आज तो सिर्फ अखबार नहीं न्यूज चैनल टीवी पर हैज डीपर इम्पैक्ट बिकॉज इट्स विजुअल तो सुबह छह बजे साढ़े छह बजे उठकर हम सब अखबार और टीवी न्यूज देख लेते हैं और हम सुबह सुबह मन पर किस तरह की इंफॉर्मेशन डाल देंगे वायलेंस नेगेटिविटी फियर टेरर ये क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन हमने भर दी फिर सारा दिन में आप कितनी भी कोशिश करो कि मुझे पॉजिटिव सोचना है मुझे अच्छा सोचना है वो डिफिकल्ट होगा क्योंकि सुबह का भोजन क्या था और ये एक दिन या दो दिन का नहीं है ना? ये इसका प्रूफ ये है, मैंने जब सुबह मेडिटेशन किया चार बजे right. राइट और अमृत वाले अच्छी अच्छी बातें मन में डाली मेरा मन ही नहीं किया न्यूज पेपर पढ़ने का न्यूज पेपर पढ़ के अच्छी बात करने का मन नहीं करता है right. वैसे अच्छी बात, अच्छी बात मन को को अपने आप देकर मेरा मन ही नहीं पड़ा देख के मैंने कहा क्या सुबह सुबह मन नहीं कर रहा है अब आपने जैसे आज मेडिटेशन किया उसके बाद आपका मन नहीं किया न्यूज़पेपर पढ़ने का लेकिन इसको अब आप अपनी रूटीन का एक हिस्सा बना ले कि सुबह अखबार में पढ़ूंगा ही नहीं यू नो लाइक अ चेंज इन लाइफ स्टाइल जब हम कह रहे हैं डाइट चेंज लाइफ स्टाइल चेंज क्योंकि अगर रिजल्ट में डिफरेंस चाहिए तो रूटीन में कुछ डिफरेंस लाना होगा अगर हम अपने आप के साथ आज ये पक्का कर लें कि सुबह के दो तीन घंटे में हम न्यूज अखबार टीवी न्यूज चैनल इसको अपने अंदर नहीं भरेंगे। मीन्स नो इनटेक ऑफ नेगेटिव इंफॉर्मेशन अर्ली इन द मॉर्निंग हर एक ये आज पक्का कर ले अपने आपके साथ कि जितना अपने मन को क्लीन रखना चाहते हैं उतना दिन में न्यूज का समय थोड़ा सा लेट करते जाए एटलीस्ट फर्स्ट टू थ्री आवर्स में नहीं लंच के बाद वो येस वाई नॉट वाई नॉट के लंच के बाद बहुत लोगों ने इस चेंज को करके देखा है और कहा सुबह ऑफिस जाने से पहले पढ़ने की बजाय अब हम शाम को ऑफिस से आने के बाद पढ़ लेते हैं या कार में सुबह जब ड्राइव कर रहे थे ऑफिस जाने के लिए तब पढ़ने की बजाय शाम को पढ़ना शुरू करते हैं इट्स अ बिग शिफ्ट वाई सुबह ब्लॉटिंग पेपर बिल्कुल क्लीन था आप जो भरेंगे इट जस्ट सोकिन शाम तक पहुंचते पहुंचते ब्लॉटिंग पेपर सैचुरेट हो गया जो फर्स्ट लेयर है इधर दिन की वो फाउंडेशन है पूरे दिन की अगर फाउंडेशन लेयर में नेगेटिव डाल दिया तो फिर वो पूरा दिन वर्क करेगा अगर सुबह के लेयर में डालने की बजाय शाम को लेयर न्यूज़ की, तो तब तक ब्लॉटिंग पेपर तो बाकी बहुत सारी बातों से सैचुरेट हो गया। शाम को जो डाली वो इतनी गहरी नहीं जाएगी अब इसमें भी ध्यान रखना है शाम को पढ़ लें रात को ना पढ़े हाँ। रात को ना पढ़े शाम को पढ़ के माइंड को फिर उस बातों से हटाना बिकॉज सम पीपल विल रीड इट जस्ट बिफोर गोइंग टू स्लीप न्यूज पे सुन सकते हैं हाँ न्यूज मतलब दो टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है इफेक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन थॉट्स सुबह उठते ही एंड रात को जस्ट सोने से पहले सुबह उठते ही जो भरा वो पूरे दिन पर असर करेगा रात को जस्ट सोने से पहले जो भरा वो पूरी रात मन पर असर करेगा सो वी हैव टू टेक केयर एंड एक्चुअली आज जैसे आपने कहा रात को न्यूज यू नो इट्स द प्राइम टाइम न्यूज चैनल कौन सा है अर्ली मॉर्निंग न्यूज सिक्स ओ क्लॉक एंड लेट इवनिंग टेन ओ क्लॉक ये प्राइम टाइम है एक न्यूज चैनल के लिए विच मीन्स में से मेजोरिटी ये दो टाइम पे न्यूज सुन रहे है सिक्स ओ क्लॉक एंड इवनिंग टेन ओ क्लॉक दोनों टाइम्स हमारे लिए डैमेजिंग है करना है पढ़ना है थोड़ा सा टाइम में चेंज करना है सिर्फ लास्ट लेयर जो भरी अगर वायलेंट थॉट्स वापस इंफॉर्मेशन भरी फिर पूरी रात वो टर्बुलेंस चलेगा वी आर नॉट रियलाइजिंग टूडे लेकिन आज जिस तरह की खबरें हम देख रहे हैं एंड यू नो बिकॉज ऑफ दिस 24 फोर बाई सेवन जो न्यूज़ चैनल्स और कितने सारे न्यूज़ चैनल वही सीन बार 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 जब रिपीट होता है एंड उसको हम इनटेक करते हैं एंड ऑफकोर्स मीडिया भी एक इंडस्ट्री है तो वो भी किस तरह के सीन्स दिखाएंगे और किस तरह से उसको करके दिखाएंगे जो हमें सबसे ज्यादा इमोशनली डैमेज करते हैं और ड्रामेटाइज कर देते हैं जैसे हम लोग फिल्मों में जब एक नॉर्मल बात करेंगे तो अजीब सा लगता है तो ड्रामा क्रिएट करते हैं और एक इंटरेस्ट क्रिएट करते हैं छोटे से सीन को भी हाईलाइट कर देते क्योंकि इसके पीछे भी लॉजिक है जब सौ चैनल्स हैं जब सिर्फ एक न्यूज चैनल था एक दूरदर्शन न्यूज चैनल था तो दूरदर्शन जो दिखाएगा हम बैठकर देख रहे हैं लेकिन अब जब इतने न्यूज चैनल है तो कौन सा न्यूज चैनल पकड़ कर रख सकेगा हमें इट हैज़ टू होल्ड द माइंड बेसिकली जैसे मूवी कौन सी पकड़ के रख सकती है जो हमारे मन को कंप्लीटली कैप्चर कर ले सारी आको कान को फीलिंग्स को इमोशन को पगल जाए मीडिया क्या करता है व्हाट इज द एंटरटेनमेंट न्यूज़ इंडस्ट्री डू हमारे सोचने की शक्ति बंद हो जाती है उतनी देर क्यों हम मूवी देखकर रो सकते हैं टेलीविजन मूवी ये सारी जो पूरी इंडस्ट्री है ये हमारी क्रिएटिविटी को एक्चुअली खत्म करती है ये खत्म करती है क्योंकि जब हम इसके सामने बैठते हैं और डिटैच होकर नहीं बैठते इट डजंट मीन कि न्यूज़ नहीं देखनी मूवी नहीं देखना सीरियल नहीं देखना डिटैच होकर देखना है हम क्या करते हैं हम जिसको हम कहेंगे हम उसमें घुस जाते हैं हम इमोशनली उसके अंदर घुस जाते हैं व्हिच मीन्स जो सीन दिख रहा है उस सीन के ही मेरे थॉट्स चलते हैं दिस हैज टू बी अंडरस्टूड उधर अगर कोई रो रहा है आई आइडेंटिफाई नहीं मैं उसी क्वालिटी की थॉट क्रिएट करता हूँ विच मीन वो सीन मेरे ऊपर हावी हो गया जैसे मैं एक सपना देखता हूँ तो सपने में अगर मुझे फियर आए और तो घबराहट और पैल्पिटेशन ऑफ हार्ट तो मैं अगर जाग के देखू तो वाकई रियल लाइफ में भी हो जाता है तो एक वो ही हो लेकिन वो सपना हो जाता तो यहाँ क्रिएट हुआ ना हाँ। तो इसलिए उसका इफेक्ट आ गया अभी ये तो सीन सामने क्रिएट हो रहा है ये तो मेरे टीवी स्क्रीन पर ही क्रिएट हो रहा है ना सपना तो इम्पैक्ट डालेगा क्योंकि वो सीन तो मेरे अंदर क्रिएट हो रहा है तो ऑब्वियसली इट विल हैव एन लेकिन ये सीन तो मेरे अंदर नहीं क्रिएट हो रहा है ये सीन बाहर क्रिएट हो रहा है दिस इज वेरी वेरी डीप क्यों आज बच्चों की भी इतनी यंग एज से क्रिएटिविटी खत्म हो रही है एंड क्यों हम इस डायनेमिक uh, में पढ़ रहे हैं कि परिस्थिति का मुझ पर प्रभाव परिस्थिति का मुझ पर प्रभाव स्टार्ट विद द मीडिया इंडस्ट्री पहले परिस्थिति का प्रभाव नहीं है पहले टीवी मूवी और सीरियल का मुझ पर प्रभाव है हम उधर बैठते हैं और उतनी देर हम कुछ और नहीं सोचते हैं जो वो हमसे करवाना चाहते हैं हम सोच पाते हैं हमें रुलाना चाहते हैं हम रो देते हैं हमें हंसाना चाहते हैं हम हंस देते हैं मतलब हमारी थॉट कंप्लीटली उसके साथ है दिस वी हैव टू प्रैक्टिस कि टीवी देखते समय अगर टीवी के सामने प्रैक्टिस करेंगे तब लाइफ में प्रैक्टिस कर पाएंगे टीवी देखते समय मैं समझ गया आप क्या कहना नो इट्स वेरी कि अगर कोई इंसान yes. कुछ मुझे बोल दे और रुला सके yes. हंसा सके yes. उसने मुझे डांट दिया इसने ah. मुझे गाली दे दी ah. मुझे बुरा बोल दिया hmm. तो छोटा बोला बड़ा बोला हावी हो गया तो यहाँ से प्रैक्टिस शुरू करनी क्योंकि वही से क्रिएट हुई थी इसीलिए वाई मोर स्ट्रेस गॉट क्रिएटेड विद ट्वेंटी फोर बाई सटल क्योंकि उसमें हम इतना खो गए हैं इतना घुस गए हैं कि उतनी देर मन अपनी सोचने की शक्ति को सरेंडर कर देता है सरेंडर कर देता है बोलता है करवाओ मुझसे जो करना है अब इससे फायदा क्या होता है लोगों को जो हमें फील होता है कि मैं सारा दिन परेशान ऑफिस के काम से वो थॉट्स मेरे अंदर चल रही हैं या हस्बैंड के साथ वाइफ के साथ झगड़ा हुआ वो चल रही है टीवी ऑन कर दो जैसे ही टीवी ऑन कर दिया मेरा सोचने का काम बंद नाउ आई एम नॉट गोइंग टू थिंक नाउ दिस विल मेक मी थिंक तो क्या हुआ मैंने अपनी चीज को सरेंडर कर दिया और दूसरे को कहा मतलब मीडिया को कहा टेक ओवर मी दिस इन द नेम ऑफ रिलैक्सेशन लेकिन उससे हुआ क्या मेरी मेरा मन इस प्रैक्टिस में चला गया कि सिचुएशन सीन मेरे मन के ऊपर हावी हो सकता है अब जो सीन हो रहा है हमें मालूम है कि वो सच भी नहीं है वो स्टोरी है वो कल्पना है किसी और की है तो भी मन उसके अंदर चला जाता है जब ये होने लगेगा तो जब एक्चुअल सीन्स क्रिएट होंगे जो जीवन में मेरे सामने सीन्स आ रहे हैं तब मन उसके प्रभाव से बाहर कैसे निकलेगा आज से ये होमवर्क कि टीवी देखते समय न्यूज देखते समय सब कुछ देखते हुए हमें साक्षी होकर देखना है अगर जीवन में साक्षी बनना है पहले टीवी के सामने साक्षी बनना पड़ेगा न्यूज देखना है लेकिन उतना ही गुस्सा नहीं क्रिएट करना जितना उस सीन में उधर जहां वो ट्रेजेडी हुई है वहां है नहीं क्रिएट करना है डैमेजिंग है मेरे लिए, सोल्यूशन ढूंढना है इज ओके okay, बट एंगर क्रिएट करना है जितना उधर क्रिएट हो रहा है नहीं। क्रिकेट मैच देखना है देखना है लेकिन उतना ही हाई एंड लो नहीं क्रिएट करना है जितना उधर है हो जाता है हो जाता है मतलब वैसे ही ना जैसे, जैसे परिस्थिति में गुस्सा जैसे परिस्थिति में गुस्सा आ जाता है अभी उसने कैच छोड़ दी हाँ। उसने ये कर दिया उसने बैट बराबर नहीं किया हाँ, तो उसने बैट बराबर नहीं किया लास्ट बॉल था लूज बॉल दे दिया लेकिन साक्षी होकर ये प्रैक्टिस है this will have to be done if i want to become the master of my mind if i cannot become the master of my mind in front of a tv screen how will i become the master of my mind in the real situation वजह की बात ये है कि वो हमारे कंट्रोल में भी नहीं है कौन कंट्रोल में नहीं है हमारे? क्रिकेट मैच कोई और खेल रहा है दिखा रहा है कोई और है परिस्थिति भी हमारे play. कंट्रोल में भी नहीं है वहाँ पे भी तो क्रिकेट मैच ही है है उसके कंट्रोल में आ गया सो दिस लेट्स प्रैक्टिस देखेंगे सुनेंगे पढ़ेंगे डिटैच होकर इनफैक्ट ये भी एक छोटी सी प्रैक्टिस हो सकती है कि जब हम न्यूज सुन रहे हैं और हमें कुछ पता चलता है कि कहीं कुछ हुआ है ये गुस्सा और दर्द क्रिएट करने की बजाय एक मिनट के लिए उसी टाइम जब वो न्यूज़ सुन रहे हैं साइलेंस में बैठकर उन लोगों को पीसफुल वाइब्रेशन देते हैं जहां कुछ हुआ है अगर हम पढ़ रहे हैं सुन रहे हैं कहीं अर्थक्वेक आया है कहीं टेरर अटैक हुआ है कहीं कोई ऐसी बात हुई है हाय क्या क्या हुआ, बिचारे, अब होगा? ये नहीं क्रिएट लेट मी सिट इन साइलेंस कनेक्ट टू गॉड एंड गिव देम वेरी ब्यूटिफुल वाइब्रेशन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ताकि मैंने क्या प्रैक्टिस किया सामने हलचल है सामने हलचल है लेकिन मेरा मन

बहुत कहें एक तरीका है ये करने का कि अगर कहीं भी कोई बात पता चलती है कि कुछ हुआ है नेचुरल कलामिटी या मैन मेड डिज़ास्टर तो सभी भाई बहनें इकट्ठे होकर सेंटर पर या घरों में विशेष मेडिटेशन करते हैं क्योंकि पावरफुल वाइब्रेशन अगर एक जगह कहीं दर्द है टेरर है फियर है केओस है डॉक्टर्स नर्सेस फैमिली ऑफ अफेक्टेड, सो मच पेन हम उन आत्माओं के लिए क्या कर सकते हैं? कोई पैसे भेजेंगे हम कपड़े भेजेंगे खाना भेजेंगे बट वॉट सेंडिंग पीस एंड पावर दुआ भी भेज सकते हैं। वही पीस एंड पावर दुआ वही है लाखों सिस्टर्स और ब्रदर्स जो हैं हाँ? ब्रह्मा कुमारी के, हाँ? अगर पांच दस लाख मिलके अगर दुआ करें, हाँ? और ब्लेसिंग्स भेजें, राइग? कितना मतलब अगर हम सब करें तो ये इतना बड़ा, टेर, सी, फिर भी एक्सेप्टेड हो जाती है थोड़ी सी कि हाँ नॉट इन आर कंट्रोल लेकिन एक मैन मेड डिजास्टर जहाँ होता है जहाँ किसी ने बहुत यू नो हेट्रेड से कुछ किया है इस तरह अब इसको

and millions of people watching it throughout the day and creating hatred and anger, एक जिसने न्यूज देख कर वो क्रिएट किया उसका नुकसान मैंने हेट्रेड नफरत क्रिएट की जिसके प्रति क्रिएट किया और उधर वाइब्रेशन भेजी उनका भी नुकसान कलेक्टिव कॉन्शियसनेस जो बने पूरी वातावरण की पहले के अपने घर में पूरा दर it, के बाहर इट गोज फ्रॉम लाइक दिस टू लाइक दिस माइक्रो टू द मैक्रो अब जब इतने सारे माइक्रो सेम क्रिएट करेंगे hmm. See, एक व्यक्ति हेटरेट क्रिएट करे दस क्रिएट करे सौ क्रिएट करे बट जब एक ही न्यूज एक ही टाइम पर मिलियन देख के क्रिएट कर देते हैं द वे इट विल स्प्रेड तब इतने लोग क्रिएट करते हैं फिर उसका इन्फ्लुएंस एक से दूसरे पर अब ये ही न्यूज देखने से तो नहीं रुक सकते क्या हो रहा है लोग कहते हैं हो रहा है दुनिया में तो पता तो चलेगा ही ना जैसे आपने कहा था अगर किसी ने किसी के साथ गलत किया है कुछ और वो मैं पढ़ रहा हूँ या देख रहा हूँ टीवी पर पहले मुझे ये ध्यान रखना है कि हम ये कह रहे हैं कि इन्होंने हेटरेड से उनके साथ ऐसा किया वॉट अबाउट जिसने किया उसके लिए हम जो हेट्रेड अब क्रिएट कर रहे हैं हम भी तो वही हरकत कर रहे हैं। अगर हम खबर सुन रहे है कि टेररिस्ट ने मुंबई में ये अटैक किया टेररिस्ट ने न्यूयॉर्क में ये अटैक किया तो उन्होंने उनकी एक हेट्रेड एलिमेंट है जिस वजह से उन्होंने वो अटैक किया लेकिन जिन्होंने किया हमने भी तो उनके प्रति हेट्रेड ही क्रिएट किया तो हेट्रेड हमने भी हेट्रेड अब हम ये करें कि जो हुआ उनके प्रति पहले जिनके प्रति हुआ जो जिन्होंने शरीर छोड़ा जो फिजिकली इंजर्ड हुए हैं बीमार हैं जिनका फाइनेंशियली सब कुछ खत्म हुआ जिनके परिवारों में किसी की डेथ हो गई उस इंसिडेंट में उन सब के प्रति हमें पीस और पावर की वाइब्रेशंस भेजनी है विच मीन्स आई कैन नॉट अफोर्ड टू क्रिएट हेटरेड इफ आई क्रिएट हेटरेड आई एम सेंडिंग मोर हेटरेड टू दैट प्लेस इफ आई रियली वॉन्ट टू डू समथिंग फॉर देम अगर हम उनके लिए कुछ करना चाहते हैं तो हमें जैसे आपने कहा दुआ दुआ मीन्स दुआ मीन्स वो नहीं जो सिर्फ हाथ जोड़कर की जाती है कि भगवान उनको शक्ति दे और फिर बैठकर हम उन नफरत क्रिएट करें जो क्रिएट करेंगे वो पहुंचेगा कंप्लीटली कम आउट ऑफ सीन एंड क्रिएट वाइब्रेशन ऑफ पीस एंड पावर गॉड गिव लॉट्स ऑफ लव पावर एंड पीस एट दैट टाइम नॉट ओनली टू द वंस विद होम इट हैपेंड जिनके साथ हुआ सिर्फ उनको वाइब्रेशन नहीं देने है, जिन्होंने किया वो कितने हेट्रेड से भरे हुए थे उनको भी शांति उनको भी शांति उनको भी करना सबको करना अब इससे क्या होगा विक्टिम्स को भी विक्टिम्स विक्टिम्स फैमिलीज जो डॉक्टर्स अभी हीलिंग कर रहे हैं उनके यहाँ इतना स्ट्रेस है इट्स अ होल केटिक सिचुएशन ना जहाँ क्रिएट होती है वहाँ तो ये मतलब आप हमें ये तो बताइए ना किस तरह भेजे आम आदमी किस तरह भेजे आप बैठ जाए एक मिनट से कॉन्शियसली करना होगा एक टाइम फिक्स करें कि ये मैं रोज करूँगा अभी सबके लिए एंड वी डोंट हैव टू वेट फॉर समथिंग टू हैपन टू डू दिस देर आर पीपल इन पेन अराउंड अस वी आर ऑल्सो वन ऑफ देम एवरी डे हम ये रोज कर सकते हैं पाँच मिनट आप बैठें एंड पहले अपनी स्थिति को ठीक करें कि आई एम अ पीसफुल सोल पीस इज माई ओरिजिनल नेचर शांति मुझ आत्मा का ओरिजिनल स्वरूप है प्रेम और शांति सब आत्माओं का ओरिजिनल स्वरूप है लेकिन इस समय पर ये कुछ आत्माएं दर्द में है बहुत दर्द में है नफ़रत से भी भरे हुए हैं इस टाइम गुस्से में भी है तो कहीं अगर आग लगी है तो मुझे उधर क्या भेजना है पानी भेजना है तो उस समय परमात्मा से कनेक्शन जोड़ें कि परमात्मा शांति का सागर है मैं शांति की वाइब्रेशंस परमात्मा से ले उन आत्माओं को भेज रही हूँ उस सीन को अपने सामने इमर्ज कर लें जो न्यूज में देखा है ना वो सीन यहाँ पे फिटेड है उस सीन को सामने ले आए कि डेथ है एक्सीडेंट है बहुत हुआ है लेकिन उस सीन में ना घुस सीन से बाहर रहकर लेकिन उन सब आत्माओं को पहले मैं परमात्मा से कनेक्ट करूं और शक्ति को चारों तरफ फैलाऊं करें ये पांच मिनट पांच मिनट आई सोल Sending vibrations of peace to the soul. जैसे ये किया खुद पहले प्रोटेक्टेड हो जाएंगे hmm. नफरत नहीं क्रिएट करेंगे नफरत की बजाय अभी ये हम कॉन्शियसली पीसफुल थॉट क्रिएट कर रहे हैं सिचुएशन हेटरेड hmm. की है. लेकिन वी आर चूजिंग टू क्रिएट अ थॉट ऑफ पीस एंड लव जैसे ये क्रिएट किया पहले खुद की स्थिति वाइब्रेशन कौन सी भेजी प्यार ये वाइब्रेशन अगर बहुत सारे लोग इकट्ठे करते हैं वहां पहुंचती है उनको जिस दर्द में वो हैं उस समय कुछ राहत मिलती है शक्ति मिलती है एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट कलेक्टिव कॉन्शियसनेस हेटरेड की बजाय पीस की क्रिएट शुरू हो जाएगी क्योंकि वी ऑल वांट पीस वी ऑल वांट पीस वी हैव टू क्रिएट इट तो ये अगर हम प्रैक्टिस करेंगे इफेक्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑन माई थॉट्स रिपीट दिस प्लीज अगर मैं न्यूज देखते समय ये प्रैक्टिस कर रही हूँ कि वो जिन्होंने किया और जिनके साथ हुआ उनको ये मुझे पीसफुल वाइब्रेशन भेजनी है तो उस समय मैंने इन्फॉर्मेशन का प्रभाव अपने मन पर जो पड़ना था उसको कम कर दिया ना क्योंकि इन्फॉर्मेशन वायलेंट की थी बट पर मैंने पीसफुल थॉट क्रिएट किया तो इन्फॉर्मेशन का प्रभाव मुझ पर बहुत कम हो गया अब इसको सिर्फ न्यूज के साथ नहीं करना इसको मूवी के साथ भी करना है टीवी सीरियल के साथ भी करना है सारा दिन जो देख रहे रियल लाइफ फिर रियल लाइफ में भी करना है फिर ये रियल लाइफ में भी करना है कि सिचुएशन में कोई गुस्सा कर रहा है चिल्ला रहा है झूठ बोल रहा है मुझे कॉन्शियसली प्रैक्टिस करनी है थोड़ी देर अगर मैं सकटिन हो भी जाऊँ Hmm. कि ऐसा क्यों कैसे एंड देन ओके फाइन आउट वेंट इन बट केम आउट क्विकली यू नो घुस नहीं गए उसके अंदर गो इन क्विकली पुल योर सेल्फ बैक ये करते करते धीरे धीरे विल कम आउट ऑफ द इन्फ्लुएंस क्योंकि इंफॉर्मेशन बहुत बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है थॉट्स के ऊपर अब अगर हम सुबह और रात के समय स्पेशली द लेडीज ऑफ द हाउस विल जनरली वॉच टी सीरियल इन द नाइट टेलीविजन सीरियल में भी क्या हो गया बिट्रेल झूठ ईर्ष्या एक दूसरे का नुकसान प्लॉटिंग एक दूसरे के अगेंस्ट बदला ये सब भरते जा रहे हैं किसी ने उस दिन एक बहुत सुंदर डिस्कशन कर रहे थे तो कहा मीडिया या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री वो दिखाता है जो समाज में हो रहा है या जो मीडिया दिखाता है वो समाज में होने लग जाता है यू नो मूवी क्या दिखाती है जो मूवी दिखाती है वो सोसाइटी में हो जाता है या जो सोसाइटी में हो रहा है वो मूवी दिखाती है सो यू नो इट वाज अ काइंड ऑफ अ डिस्कशन किसी ने कहा कि जो दुनिया में हो रहा है वो ही सीरियल और पिक्चर में दिखाया जाता है और किसी ने कहा नहीं जो सीरियल और पिक्चर में होता है वो समाज में होने लग जाता है इट केम आउट वेरी ब्यूटिफुल जो समाज में हो रहा है वहीं से इंस्पायर होता है राइटर स्टोरी लिखने के लिए कैरेक्टर लेने के लिए लेकिन जब वो इंस्पायर होता है तो वो समाज में थोड़ा थोड़ा हो रहा होता है कहीं कहीं हो रहा होता है लेकिन जब वो स्टोरी लेकर वो सीरियल बन जाता है और फिर वो सीरियल मिलियंस ऑफ लोग देखते हैं फिर वही चीज़ बहुत ज़्यादा होने लग जाती है क्योंकि इंफॉर्मेशन थॉट्स एंड थालिटी पर्सनैलिटी बिकम्स डेस्टिनी तो लिया वहां से इन्फॉर्मेशन से स्टोरी बनी स्टोरी लेकिन जब सबके लिए इन्फॉर्मेशन बन गई तो बहुत लोगों के संस्कार अब ईर्षा के डाउट करने के बन गए क्योंकि रोज नौ बजे से ग्यारह बजे तक वो वही सीरियल देख रहे हैं सो दैट ऑटोमेटिकली स्टार्ट है सुबह उठते ही नेगेटिव नहीं भरना नेगेटिव नहीं डालना अखबार 10 ग्यारह बजे के बाद रात को सोने से पहले नेगेटिव नहीं डालना अब इससे और एक स्टेप ऊपर जाने के लिए नेगेटिव तो नहीं डालना तो कुछ पॉजिटिव डाल ले ताकि उसमें से थॉट्स क्रिएट हो इसीलिए पहले भी कहते थे सुबह का समय प्रार्थना सत्संग कोई अच्छी चीज पढ़ लेना अगर सुबह हम 15-20 मिनट निकाल कर कोई बहुत पावरफुल पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन भर ले अपने अंदर कोई अच्छा कसेट सुन ले कोई अच्छी किताब पढ़ ले कोई सत्संग में चले जाए आधा घंटा भी अगर वो इन्फॉर्मेशन भर जाए सुबह की फाउंडेशन लेयर पे वो सारा दिन काम करने वाली है फिर हमारे मैं तो आपकी ये जो ब्रह्म कुमारी या तो मॉर्निंग में देखते हैं या लेट इवनिंग में देख रहे हैं डेली से इवन ये इज वेरी ट्रू द पावर ऑफ मीडिया मैं खुद आई हैव एक्सपीरियंस्ड कि इस अवेकनिंग प्रोग्राम से जैसे इतने सालों से चल रहा है इतने लोग देख रहे हैं अब जो लोग रेगुलरली देख रहे हैं तो उन्होंने फिक्स कर लिया ये हाफ एन आवर हमें ये प्रोग्राम देखना है कुछ नहीं करना है और और उसके साथ कुछ नहीं करना बस देख लेना है हाफ एन आवर तो क्या हुआ हाफ एन आवर वो इन्फॉर्मेशन अंदर चली गई एंड छह आठ महीने बाद खुद ही कहते हैं पता नहीं आर था फर्स्ट एक्सपीरियंस विच एवरीबडीट शेयर कॉमन लाइन आई टेलिंग यू माई वे ऑफ थिंकिंग हैज चेंज मीडिया चेंज द वे ऑफ थिंकिंग हाफ एन आवर रोज वो बातें सुनी माई वे ऑफ थिंकिंग हैज चेंज विच मीन्स अगर हम रोज इंफॉर्मेशन लेंगे इस तरह से अब इस केस में तो माई वे ऑफ थिंकिंग चेंजड फॉर द बेटर इट वेंट ट पॉजिटिव बट इक्वेशन तो समझ में आ गया ना विच मीन्स जो दूसरी चीजें हम लेते थे उसने भी तो हमारे वे ऑफ थिंकिंग पर प्रभाव डाला था सिर्फ ये वे ऑफ थिंकिंग इतना ड्रास्टिक चेंज होता है प्रभाव नहीं डाल सकता yes. people have जब said, ब्रह्मा कुमारी आपका जो प्रोग्राम है राइट right. वो मुझ पर डाल सकता है yes. तो मुझ पर वो निगेटिव भी डाल सकता right. हमारे घर में डिवोर्स की बात चल रही थी खत्म hmm. हो गई डिप्रेशन था दवा ले रहे थे लेकिन डिप्रेशन से बाहर नहीं निकल के आ पा रहे थे दवा लेकर उसको मैनेज कर रहे थे आज खत्म हो चुका है सुसाइड ने सोचा था करने का तो जैसे इस क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन से लेने से ये चीजें रुक सकती हैं, ऐसे ही इसकी ऑपोजिट क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन लेने से ये चीजें हो सकती हैं मुझे अभी माउंट आबू में एक लड़का मिला तो कहने लगा कि मैंने सिस्टर शिवानी की बहुत आ, ये प्रोग्राम्स देखे तो मैं बहुत डिप्रेस था तो एक दिन मैं ऑलमोस्ट सुइसाइड करने जा रहा था फिर जब ये मुझे एक बार देखा दो बार देखा रेगुलर हुआ तो अब मैं उनकी क्लास में जाता हूँ बैंड्रा खार में मैं बॉम्बे में रहता हूँ तो मैंने कहा बट तुम तो हिंदू नहीं हो तो कहते नहीं वहां पर कोई रिलीजन की बात नहीं होती है वे ऑफ लाइफ सिखाते हैं मेरी तो ज़िंदगी बदल गई टीवी स्क्रीन फॉर हाफ एन आवर दैट्स वाई पावर ऑफ मीडिया आधा घंटा डोज अगर रोज मिल जाए तो सोचने का तरीका बदल गया रिश्ते बदल गए बीमारियां दूर हो गई लेकिन वट अबाउट इसका ऑपोजिट जब हो रहा था ये तो सिर्फ आधा घंटा ले रहे हैं हम रोज सिर्फ आधा घंटा ट्वेंटी सेवन मिनट्स दैट इज ऑल एवरी एपिसोड व्हाट अबाउट आवर्स एंड आवर्स ऑफ न्यूज मूवी एंड सीरियल जब वो आवर्स ऑफ आवर्स हम ले रहे थे आज कॉमेडी भी अगर आता है टीवी पर उसकी भी क्वालिटी कैसी है तो वो जब हम ले रहे थे क्या वो हमारे सोच को नहीं बदल रहा था क्या वो हमारे जीवन की परिस्थितियों पर प्रभाव नहीं डाल रहा था सो वी नीड टू अंडरस्टैंड पावर ऑफ इंफॉर्मेशन अब अगर रोज सुबह और रात को सुबह तो डेफिनेटली 20-25 मिनट्स कुछ बहुत श्रेष्ठ पढ़ना है या सुनना है और रात को सोने से, से पहले 5 दस मिनट क्लीन द माइंड अगेन सारी जो बातें भरी हैं उसको क्लीन करके 5 मिनट कुछ अच्छा पढ़ लें लास्ट लेयर ऑफ इंफॉर्मेशन जस्ट बिफोर स्लीपिंग टीवी देख लिया मूवी सब कुछ कर लिया बंद करके फाइव मिनट्स। बट हैबिट डाल लेनी चाहिए जैसे कि आपने कहा ये कपड़ा सफेद है ओरिजिनल तो सफेद था मैं तो दिया, सुबह नहाया शाम को ब्रश किया मुंह धोया कपड़े बदले इस तरह मतलब एक हाँ बन जाती है ना बिल्कुल लाइफ में उसको डालना है तो कोशिश करते हैं फिर लाइफ में डालने की थैंक यू सो मच ओम शांति ओम शांति